ए छोरी कटे जा रही है। मत बांधो तुम मुझे, मैं कुछ करना चाहती हूँ। इस जमीन से आसमां को मैं अब छूना चाहती हूँ। मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं अब उड़ना चाहती हूँ। एक सौ बीस पृष्ठ संख्या नौवां पद कबीर साहब राग गौड़ी। इति तत् राम जपुरे प्राणी, बूझो अखत कहानी। हरि का भाव होई जा ऊपर, जागृत रहन बिहानी। डाइन डारे सुनहा डोरे, संग रहे बन घेरे। पंच कुटुंबी मिल जूझण लागे, बाजत शब्द घने संघेरे। रोहे मृग ससा बन घेरे, पारथी बाण न मिले। सायर जरे सकल बन दाछे, मंच अहेरा खेले। सोई पंडित सो तत् ज्ञाता, जो ई पद ही विचारे। कहे कबीर सोई गुरु मेरा, जो आप तेरे मोहितारे। वे साहब यहाँ पर कह रहे हैं इही तत् राम जपूरे प्राणी, ये इही है, इही, हाँ ये इही है। इही यानी यह, इही का मतलब होता है यह। तत् का मतलब होता है तत्व, निचोड़, सार इस चीज का। यही सार है, यही तत्व है, यही सत्य है। राम जपुहुरे प्राणी, यहाँ पर प्राणियों को, जीवों को, आम व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं कबीर साहब। कहे प्राणियों, यही जीवन का सार तत्व है कि तुम राम के नाम का जप करो। यानी राम नाम का जप जो है, यही क्या है, सार है, यही मूल तत्व है, यही तत्व है, और यही क्या है, सार है। तत्व को, सार को, रस को, निचोड़ को किसी चीज़ का, उसको तत्व कहते हैं। कहते नहीं मैं कई तत् गाड़ी क्या निकाला, मतलब क्या निकाला। यही तत् राम जपूरे प्राणी, हे मनुष्यों, हे जीवों, तुम ये जो राम नाम है, जो इस जीवन का क्या है, सार है, निचोड़ है, इस सार रूप राम नाम का जप करो। यही तत् राम जपूरे प्राणी, हे प्राणी, राम नाम जो है वो सार स्वरूप है, तत् है, निचोड़ है, उसका जप करो। बूझो अखत कहानी, और फिर तुम जो ईश्वर के अकथ, अकथ यानी जिसको कहा नहीं जा सके, अकथनीय, अकथनीय, जिसको कहा न जा सके, यदि तुम राम नाम का जप करते हो, जो कि सार है, जो कि तत् है, जो कि निचोड़ है जीवन का, तो तुम उसकी, ईश्वर की अकथनीय, जो नहीं कही जा सकती, उस कहानी को बूझ सकोगे, समझ सकोगे। उसकी कहानी को, जिसको कहा नहीं जा सकता, उस परमेश्वर की कहानी को तुम बूझ सकोगे, समझ सकोगे। यही तक राम जपूरे प्राणी, यही सार है कि तुम राम नाम का जप करो, बूझो अकथ कहानी, और फिर तुम उस अविनाशी परमात्मा की अकथनीय कहानी को समझ लोगे। कब? जब तुम राम नाम का जाप करोगे। हरि का भाव हुई जा ऊपरी, हाँ ये गलती से हो जाता है, लिखने में कोई बड़ी टाइपिस्ट से गलती हो गई होगी। हरि का भाव हुई जा ऊपर, जिस जीव या जिस आत्मा या जिस व्यक्ति के हृदय भगवान के प्रति भाव यानी प्रेम, भगवान को लेकर के भाव या भगवान के प्रति प्रेम, भाव और प्रेम एक ही बात है। हरि का भाव हो ही जा ऊपर, जिस प्राणी या जिस व्यक्ति के भीतर भगवान के प्रति प्रेम सबसे ऊपर होता है, दूसरी चीजें नीचे होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति के लिए धन सबसे ऊपर, किसी व्यक्ति के लिए पद प्रतिष्ठा सबसे ऊपर, किसी व्यक्ति के लिए अपना नाम सबसे ऊपर है, वो उसको महत्व देता है सबसे ज़्यादा, कोई पैसे को महत्व देता है सबसे ज़्यादा, उसके दिल में सबसे ऊपरी जगह उसकी है। कोई अपने माता पिता को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, वो उसके दिल में सबसे ऊपर बैठे, कोई अपनी पत्नी को, इस तरह से। तो कबीर कहते हैं हरि का भाव हो ही जा ऊपर, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम सबसे ऊपर हो, बाकी चीज़ें नीचे हैं।
यानी सबसे ज़्यादा जो प्रभु के प्रति प्रेम को महत्व देता हो, वो व्यक्ति की क्या स्थिति हो जाती है? जागृत रहन बिहानी, बिहानी का मतलब गुजार देना, उसकी रातें जो है जागते हुए गुजरती हैं, रात को उसे नींद नहीं आती, क्योंकि प्रभु के प्रति उसके हृदय में सबसे ज़्यादा प्रेम, प्रभु से वो बहुत प्रेम करता है, प्रभु का स्थान उसके दिल में सबसे ऊपर है, इसलिए वो जागते हुए रैन बिता देता है, रात्रि बिता देता है, उसे नींद नहीं आती, आँख नहीं लगती, क्योंकि जिसके प्रति प्रेम है वो तो कहीं दिखाई नहीं देता, जिसके प्रति प्रेम है उससे तो मिलन हुआ नहीं है, जिसके प्रति प्रेम है उससे मिलने की तड़प है, और उस तड़प में भक्त साधक जो है वो पूरी रात गुजार देता है। समझ भाई बात? तो जागते हुए ही रात गुजर जाती है, नींद नहीं आती, ये प्रेम का एक लक्षण है। हरि का भाव कोई जा ऊपर, प्रभु का प्रेम, प्रभु का भाव जिसके हृदय में सबसे ऊपर होता है, वो जागते हुए रैन गुजारता है, आँख नहीं लगती उसकी, क्योंकि प्रभु से मिलने की तड़प सताती रहती है, और प्रभु के न होने के कारण तड़पते हुए रातें कटती हैं। डाइंग डारे सुनहा डोरे, इसलिए ध्यान रखें, पहली लाइन में नाम के महात्म्य को बताया कि प्रभु का नाम ही सार है, संतों में नाम सुमिरन का बड़ा महत्व है। दूसरी बात, ईश्वर की कथा को अकथनीय कहा है, वर्णनातीत, बियॉन्ड वर्ड्स, शब्दों से परे है, क्योंकि जो खुद ही अपरंपार है उसको शब्दों में कैसे समेटोगे, जिसका कोई अंत नहीं है उसको शब्दों में कैसे समेटोगे। और दूसरी पंक्ति में भक्तों की स्थिति को दर्शाया है कि भक्त कैसे भगवान की याद में उसके विरह में तड़पता हुआ रातें गुजारता है, नींद और भूख और चैन सब उड़ जाते हैं उसके, प्रेम का ये लक्षण। डाइंग डारे सुनहा डोरे संग रहे बन घेरे, कबीर साहब यहाँ पर फिर उलटवासी कहनी शुरू कर दी, कहते हैं डाइंग डारे, डायन डायन भूतों पर प्रेतों में आती है, एक एक डाकन बोल देते हैं, डायन बोल देते हैं, ये एक भूत प्रेतों जैसी ही कोई आत्मा होती, तुष्ट आत्मा होती, और भारत क्योंकि अंधविश्वासों का गढ़ है इसलिए यहाँ डायन नाम से एक भूत प्रेत इत्यादि की एक श्रेणी मानी गई। कबीर के समय ये काफ़ी प्रचार भी थी, आजकल तो इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है, और पढ़ाई की वजह से अब डायन जैसी प्रथाएं खत्म हो गई हैं, पहले हर दूसरी तीसरी स्त्री को डायन ही समझा जाता था, भय खाते थे लोग। डायन डारे सुनहा डोरे, कि जो डाकिनी है, डायन है, वो डारे यानी डालती है, डारे का मतलब डालती है, क्या? सुनहा डोरे, सुनहा, सुनहा के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो सुनो, क्या, एक ये अर्थ हो सकता है सुनहरे, सुनहरे सुंदर आकर्षक, सुनहरा जो होता है वो सुंदर रंग का, दोनों अर्थ ध्यान रखें। कबीर कहते हैं हे प्राणियों सुनो, डायन जो है वो डोरे डालती है, लेकिन यहाँ जब सुनहा शब्द है वो डोरे के साथ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि कबीर ये कहना चाह रहे हैं कि डायन जो है, डाकिनी जो है, वो स्वर्णी सुनहरे रंग के डोरे डालती है, क्योंकि डोरा यदि सुनहरा ना हो, आकर्षण से भरा हुआ ना हो, तो कोई भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, उसके जाल में फंसेगा नहीं, जाल की डोरी कम से कम आकर्षक होनी चाहिए, चित्त को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति कोई जीव जो है उस जाल में फंसेगा। तो डायन जो है, डाकिनी जो है, वो स्वर्णिम डोरे डालती और उसके स्वर्णिम डोरों की चकाचौंध में जीव आत्मा साधारण जीव जो है वो आकर्षित होकर के फंस जाते हैं। श्यंग रहे वन घेरे, और शेर जो है वो वन को घेरे रखता है, वन को घेरने का मतलब जो है कि शेर पूरे जंगल को अपने कवर में कर लेता है, अपने अंडर में कर लेता है, और किसी भी वहाँ पर रहने वाले पशु को, वो चाहे हरिण हो, वो चाहे खरगोश हो या कोई भी हो, उसको जंगल से बाहर नहीं जाने देता, और जो भी उसकी सीध में आ जाए, उसको दिखाई पड़ जाए, उसकी चपेट में आ जाए, उसका शिकार कर लेता है, तो यानी कि पूरे जीवों को वो जो क्या है वन के अंदर घेरे रहता है,
यानी पूरे पूरे जीव जो है जंगल के वो सारे के सारे क्या है, सारे सारे क्या है, शेर के शिकार, और वो किसी भी शिकार को अपने से बाहर जाने नहीं देते। तो कबीर साहब कहते हैं डायन डारे सुना डोरे, डायन जो है वो स्वर्णिम चार फेंकती है, उसके डोरे डालती है, और सेंग रहे बंघेरे, इसलिए डोरे डालना एक मुहावरा है, कहते वो डोरे डाली यानी फंसाने का प्रयास कर रहा है कोई। डायन डारे सुना डोरे, डायन जो है वो स्वर्णिम डोरे डाल रही है, सेंग रहे बन घेरे, और शेर जो है वो वनों को क्या है, वन को क्या है, घेरे रखता है, और किसी भी प्राणी को किसी भी जीव जंतु को उस जंगल से बाहर नहीं जाने देता, और अपना शिकार बनाता है, कोई उसके हाथ से बच के नहीं जाता। ये प्रतीकात्मक शब्दावली है, सिंबॉलिक लैंग्वेज। यहाँ डायन माया का प्रतीक है, माया विभिन्न प्रकार के आकर्षण संसार में फैलाती और जीव को भ्रमित करती है, किसी को धन का आकर्षण दिखाती है, किसी को रूप और सौंदर्य का, किसी को पद प्रतिष्ठा का कि मंत्री बन जाओ, ये बन जाओ, वो हो जाओ, फिल्म स्टार बन जाओ, किसी को प्रतिष्ठा का, इज्जत का कि मेरा बड़ा नाम है, ये है, वो है, तो ये सब माया के ही रूप है। किसी को धन के लालच में फंसा रखा है, किसी को सौंदर्य के आकर्षण में फंसा रखा है, किसी को पद प्रतिष्ठा के आकर्षण में, ये सारा का सारा जाल जो है ये किसके द्वारा फैलाया गया, माया के द्वारा, और जीव इसमें भ्रमित हो जाता है, इसके आकर्षण में फंस के फंस जाता है। कोई धन के पीछे जीवन गवा देता है, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे जीवन गवा देता है, और ईश्वर की तरफ नहीं जा पाता, क्योंकि माया ने ऐसा स्वर्णिम जाल बिछाया है कि जीव किसी न किसी किसी भी तरह से उससे बाहर नहीं आ सकता या आ पाता है, और वो उन आकर्षणों में फंस के उलझ जाता है, ईश्वर के प्रति अपना ध्यान नहीं ले जा पाता है। उसी तरफ कबीर साहब कह रहे हैं कि डायन ये माया है जो कि स्वर्णिम डोरे डालती है और जीव को विभिन्न प्रकार के प्रपंचों आकर्षणों में फंसा लेती है, विभिन्न प्रपंचों में और आकर्षणों में फंसा लेती है। ये सारे आकर्षण ही है, रूप का, सौंदर्य का, धन का, नाम होने का, प्रतिष्ठा का, मंत्री बन जाऊं, ये हो जाऊं, कलेक्टर बन जाऊं, इत्यादि इत्यादि, ये सारा माया का ही जाल है। कबीर कहता है डायन डारे सुनहा डोरे, ये माया रूपी डाकिनी जो है स्वर्णिम सुनहरे जाल को डालती है, फेंकती है किसके ऊपर, जीव के ऊपर, ताकि जीव उसमें उलझ जाए, फंस जाए उसके आकर्षण में, और सुनहरा इसलिए क्योंकि सुनहरा नहीं होगा तो कोई भी फंसेगा नहीं, ठीक है। सेंग रहे बन घेरे, और काल जो है ये शेर, शेर जो है काल का प्रतीक है, जो कि ये जीव, जो कि ये संसार रूपी जो जंगल है उसको घेरे रखता है, यानी कोई भी काल के जाल से मुक्त नहीं हो पाता, काल सबको अपना शिकार बना लेता है। ये संसार एक जंगल के जैसा है जिसके ऊपर काल रूपी शेर क्या है, राज करता है, वो किसी भी प्राणी को, जीव आत्मा को अपने शिकंजे से बाहर नहीं जाने देता, सबको खा जाता है, सबको मार डालता है, कोई भी काल से मुक्त नहीं, ठीक है। तो ये जंगल क्या है, संसार का प्रतीक है, और उसके ऊपर किसका आधिपत्य है, सिंह का यानी काल का, तो ये प्रतीक है, समझ वही बात। तो माया उलझाती है जीवों को सांसारिक प्रपंचों में आकर्षण दे दे करके, और दूसरी बात जो सिंह है यानी काल जो है उसकी चपेट से संसार के अंदर जन्मा हुआ कोई भी जीव मुक्त नहीं हो पाता है, सबका वो भक्षण करता है, सबको खा जाता है, उसका आधिपत्य है संसार के ऊपर। पंच कुटुंबी मिल जूझड़ लागे, बाजत शब्द संघेरे, पांच कुटुंबी परिवार के लोग, पांच कुटुंबी परिवार के लोग, इसे ध्यान दें, पांच हमारे भीतर ज्ञानेंद्रियां क्या है, ज्ञानेंद्रियां, और पांच ही संख्या में हमारे पास तत्व हैं जिनसे हमारे शरीर की रचना हुई। तो कबीर यहां कह रहे हैं कि वो जो पांच परिवार के लोग हैं, पांच जो पारिवारिक लोग है, दोनों तरफ ही इशारा हो सकता है, ध्यान रखें, वो तो परीक्षा में वो ऑप्शन किसका देता है इस पर है, क्योंकि जो परीक्षा में आपका प्रश्न पत्र बना रहा है उस व्यक्ति को क्या लगता है इस पर डिपेंड करता है, वो क्या सोचता है, इसको पांच ज्ञानेंद्रिया सोचता है कि पांच तत्व सोचता है, लेकिन दोनों में से एक चीज होगी, दोनों में से एक चीज होगी, चाहे तो पांच तत्व अथवा पांच ज्ञानेंद्रिया, इसके अलावा और कोई अर्थ नहीं हो सकता इसका। वैसे तो पांच दोष भी होते हैं काम क्रोध लोगों, उसकी चर्चा हमने की थी, लेकिन उसकी तरफ इशारा नहीं थी, इशारा इन दोनों में से किसी की तरफ है। पांच कुटुंबी मिल जूझण लागे, मेरे ख्याल में ज्ञानेंद्रियों की ही बात है, पांच परिवार के लोग जो है, पांच ज्ञानेंद्रियां जो है,
काल के आतंक से, भय से क्या है जूझने लगती है, कांपने लगती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। पांचों के पांचों ज्ञानेंद्रिया जो है वो काल के आतंक और उसके भय से जूझने लगती है, कांपने लगती है, वो सोच नहीं पाती कि क्या किया जाए, इस काल से मुक्त होने का क्या रास्ता है। बाजत शब्द संघेरे, और क्या है विभिन्न प्रकार के, संघेरे का अर्थ होता है घने, तीव्र और घने, तीव्र और घने शब्द या ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। वो तीव्र और घनी ध्वनियाँ किसकी है, काल की ध्वनि चारों तरफ सुनाई पड़ती है, और उसको सुन करके पांचों ज्ञानेंद्रियाँ जो है अपना संतुलन खो बैठती हैं, वो समझ ही नहीं पाती कि हम क्या करें, कौन सा रास्ता अख्तियार करें जिससे कि इस काल के जाल से मुक्त हुआ जा सके। रोहे मृग ससा बन घेरे, पारद बाण न मिले। कबीर साहब कहते हैं रोहे का मतलब है भागना, वैसे रोहे सुनसान को भी कहते हैं, यहाँ भागने के लिए आया। मृग हरिण को कहते हैं, सस मैंने कल परसों बताया था आपको, ससधर सस्तर ससर सूर दूर दुरंतर लागी जोग जुगतारी, बताया था ना, सस को धारण करने वाला होता है ना चंद्रमा खरगोश को, कल ही बताया था, ससियर दूर दूर दुरंतर लागी जोग जुगतारी। कह रहे हैं कबीर साहब रोहे मृग ससा बन घेरे, मृग जो है ये मन का प्रतीक है, खैर प्रतीकों की बाद में चर्चा करेंगे, पहले सिंपल अर्थ समझते हैं। रोहे मृग, हरिण जो है वो भागता है, भाग जाता है हरिण, ससा बन घेरे, और जो खरगोश है वो जंगल को घेर लेता है। पीछे कहा था शेर जंगल को घेरे हुए है, और यहाँ कहा है खरगोश जो है वो जंगल को घेर लेता है और हरिण भाग जाता है। रोहे मृग ससा बन घेरे, पारदी बाण न मिले, और शिकारी जो है पारदी शिकारी को कहते हैं, खरगोश दिखाई पड़ रहा है जंगल को घेर रखा उसने, परंतु फिर भी शिकारी उसके ऊपर बाण नहीं चलाता, ये सारी उल्टवासियां है। हरण भागता है, खरगोश जंगल को घेर लेता है, और कबीर साहब कहते हैं फिर भी शिकारी जो है वो बाण नहीं चलाता, तीर चलाता ही नहीं, पता नहीं कैसा शिकारी तीर ही नहीं चलाता, ये प्रतीक है। कबीर कहते हैं रोहे मृग, मन का प्रतीक है ये मृग, और खरगोश जो है वासनाओं का प्रतीक है, ये पूरा संसार वन का प्रतीक है, पूरा संसार रूपी वन जो है इसको वासना रूपी खरगोश ने घेर रखा है, यानी पूरा संसार वासना से भरा हुआ है, हर किसी की अपनी अपनी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, ठीक है, पूरा संसार किससे भरा हुआ है, वासनाओं से भरा हुआ है, खरगोश रूपी वासनाओं का ही क्या है पारावार है, यहाँ से वहाँ तक चारों दिशाओं में खरगोश रूपी वासनाएं दिखाई पड़ती है, उसका ही आधिपत्य। कबीर कहते हैं रोहे मृग ससा बन घेरे, वासना रूपी खरगोश ने जंगल रूपी संसार को घेर रखा है, पूरा संसार वासनाओं से आच्छादित हो गया है, भर गया है, वासनाओं से भरा हुआ है रोहे मृग, और उन वासनाओं की तरफ मन रूपी खरगोश आकर्षित होकर के भागता है, उन वासनाओं की प्राप्ति के लिए। वासना रूपी खरगोश ने जंगल रूपी जगत के ऊपर आधिपत्य बना रखा है, यानी पूरा जगत जो है वो वासनाओं से भरा हुआ है, और मन रूपी मृग जो है उनकी तरफ आकर्षित होकर के भागता है, उनको प्राप्त करने के लिए भागता है, वासनाओं की प्राप्ति के लिए। पारदी बाण न मिले, फिर भी इन वासनाओं का नाश करने के लिए साधक जो है, शिकारी का साधक को, आत्मा को, जीव को, जीवात्मा रूपी जो साधक है वो फिर भी इन वासनाओं के ऊपर क्या नहीं करता, वाण नहीं चलाता, इन वासनाओं को नष्ट नहीं करता है। वासना ने संसार को भर रखा है, और वासना से आकर्षित होकर के मन उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन फिर भी साधक जो है वो इन वासनाओं को के ऊपर तीर नहीं चलाता, यानी इनको नष्ट नहीं करता है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सायर जरे सकल बन दाछे, सायर कहते हैं सागर, सागर को कहते हैं सायर जरे, सागर जो है वो जल जाता है, आग लग जाती है उसके अंदर, यही तो वर्ल्डवासी सायर जरे सकल बन दाछे, सारा सागर जल जाता है और सारे वन को आग लग जाए, दाजने का मतलब आग लग जाता है, सारे सागर में आग लग जाती है
और जंगल जो प्रदेश है उसमें भी आग लग जाती है। फिर वन शब्द आया, देखो तीन बार वन शब्द आ गया और तीनों बार ही संसार का प्रतीक है, बदल जाते हैं प्रतीक, लेकिन इसमें बड़ी हैरानगी की बात है, तीनों बार ही किसका प्रतीक आया, संसार का इस प्रतीक होकर क्या है। सागर जलता है और सारा वन जो है वो भी उसी आग में जलता है। कहते हैं मच्छ अहेरा खेले, लेकिन मछली जो है, अहेर कहते हैं शिकार को, लेकिन मछली जो है वो शिकार खेल रही है, पानी में आग लगी हुई है और मछली शिकार खेल रही है, क्या बात है। रोग सायर जरे सकल बंदाजे मंच अहेरा खेले, कबीर साहब कहते हैं कि सागर जल जाता है और पूरा जंगल जो है, सकल का मतलब सारा, सारा जंगल जो है वो भी इसी आग में जल रहा होता है, लेकिन फिर भी सागर की जो मछली है वो क्या करती है, शिकार खेलती है। सागर के अंदर मछली जन्मती है और शिकार खेलने के लिए जंगल में जाती है और दोनों में आग लगी हुई हाँ सोचिए, दोनों तरफ आग लगी हुई है, उस आग में जन्मी है वो और उस आग में जाके अहेर यानी शिकार खेल रही। सायर जरे सकल बंदाजे, सारा का सारा सागर जल गया, पूरा जंगल जल गया, लेकिन मछली जो है, मच्छ जो है वो अहेर यानी शिकार खेल रहा है, ये प्रतीक है सारे सागर। सागर वन इनमें लगी हुई आग, वासना की आग, इसके आगे वासना की आग, इस वासना की आग में पूरा संसार जल रहा है, इस वासना की आग में पूरा संसार जल रहा है, लेकिन मछली रूपी जो साधक है वो इसमें नहीं जलता, उल्टा वो तो शिकार खेलता है, वो तो क्या करता है, शिकार खेलता है, किसका, वासना का, वो वासना का शिकार नहीं होता है, वो वासना को शिकार करता है, समझे इस बात को। एक तो सामान्य जीव तो वासना के शिकार हो जाता है, वासना से आकर्षित होकर उसके जाल में फंसते हैं, लेकिन साधक जो है वो वासना का शिकार करता है, उसको खत्म कर देता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सायर जरे सकल बंदाजे, वासना की आग में पूरा जंगल रूपी संसार जो है वो जल रहा है, लेकिन मछली रूपी जो साधक है, ईश्वर उन्मुख जो व्यक्ति है, साधक है, वो क्या करता है, शिकार खेलता है, उसके ऊपर ये वासना की आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उल्टा वो तो इसी आग में रहता हुआ भी क्या है, शिकार खेलता है, शिकार वासना का शिकार है, वो वासना का शिकार नहीं बनता, उसका शिकार करता है। मच्छ प्रति का साधक का, जंगल संसार का, आग ये वासना की आग है, काम की अग्नि। सोई पंडित सोई तत् ज्ञाता जो यही पद ही विचारे, कहे कबीर सोई गुरु मेरा आप तेरे मोहि तारे। कबीर साहब कहते हैं सोई पंडित है, पंडित जाति का वाचक नहीं है, यहाँ ध्यान रखें, पंडित ज्ञानी का वाचक है, ज्ञानी, लेकिन कभी कभी कबीर जाति के लिए भी करते हैं, जब वो कहते हैं पंडे कौन कुमती तोहे लागी, तब पंडित की तरफ इशारा होता है, वो जाति वाला पंडित होता है, यहाँ जब वो कह रहे हैं तो ज्ञानी से मतलब, श्रेष्ठ व्यक्ति से, जाति से मतलब नहीं है यहाँ। सोई पंडित सो तत्व ज्ञाता, तत्व यानी तत्व का, ज्ञाता यानी जानने वाला, वो ही ज्ञानी है और वो ही तत्व को जानने वाला है। तत्व क्या है, परमात्मा, परम तत्व ही तत्व है, उसी से सब कुछ होता है, इसलिए वो ही तत्व है, सार है, वो ही पंडित है, ज्ञानी है और वो ही तत्व को जानने वाला है, परमात्मा को जानने वाला है, जो यही पद ही विचारे, जो मैंने बातें कही है इनके ऊपर विचार कर सके, विचार करने का मतलब कि मैंने जो कहा है उसके मतलब को समझता हूँ, कि मैंने किसको खरगोश कहा है, किसको मृग कहा है, किसको जंगल कहा है, किसको आग कहा है, किसको मंच कहा है, समझ रहे, किसको शेर कहा है, ये सब बातों पर विचार कर सके कि मैंने किस चीज़ को किसका प्रतीक मान करके कहा है। वो ही ज्ञानी है और वो ही तत्व को जानने वाला है, जो मेरे इन द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों को समझता है, अर्थ को जानता है। कहे कबीर सोई गुरु मेरा, कबीर कहते वो ही मेरा गुरु बनने के लायक है, योग्य है, जो आप तेरे मोहि तारे, जो आप भी तैर जाए संसार सागर से और मुझे भी पार ले जाए, जो आप भी नहीं तैरे तो मुझे क्या तैराएगा, वो मुझे क्या पार ले जाएगा, जो स्वयं ज्ञान को उपलब्ध है, स्वयं पार लग चुका है, वही व्यक्ति मेरा गुरु होने के योग्य है, क्योंकि वो ही मुझे पार लगा सकता है, समझ गए बात। इसमें दो तीन बातें ध्यान दे, राम नाम का महात्म्य, ईश्वर की कथा को अकथनीय कहा है, यानी उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, भगवान का प्रेम जिसके ऊपर होता है वो रात जागते हुए गुजरती है, यहाँ पर विरह का वर्णन है, इसका वर्णन है विरह का, डायन शेर
पांच कुटुंबी, मृग, ससा, पारधी, वन, आग, सागर, मच्छ, मछली, ये सारे प्रतीक हैं, प्रतीकात्मक शब्दावली है। ओलटवासी तो है ही है, ओलटवासी तो है ही है टोटल में इसमें। पर देखो तीसरी लाइन में क्या है, प्रतीकात्मक शब्दावली। चौथी लाइन में क्या है, प्रतीकात्मक शब्दावली। पांचवी और छठी लाइन में क्या है, उलटवासी है खास तौर से। वैसे तो उलटवासी सब में मान सकते हैं, लेकिन पांचवी छठी में खास है उलटवासी। ठीक है, तो तीसरी चौथी पांचवी छठी में तो प्रतीकात्मक शब्दावली है, लेकिन पांचवी और छठी में उलटवासी है खास तौर से। क्या है, उलटवासी। ठीक है, और उलटवासी जो होती है वहां पर विरोध का चमत्कार होता है, ये भी लिखना है। हाँ, क्या होता है, विरोध का चमत्कार। तो सागर जल रहा है, जंगल जल रहा है, लेकिन मछली जो है वो शिकार के लिए विरोध होता है। साधनात्मक रहस्यवाद है,